कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में गुरुवार को ईडी दफ्तर में पेश हुई। उधर कांग्रेस पार्टी ने ईडी के इस कार्रवाई के खिलाफ देश भर में आंदोलन किया। कांग्रेस के इस आंदोलन पर भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बावनकुले ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी ने कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का, कांग्रेस आंदोलन कर ईडी पर दबाव डाल रही है। सोनिया गांधीजींनी किंवा राहुल गांधीजींनी जर काही केलं नाही आहे तर ईडीच्या समोर गेलं पाहिजे आणि आंदोलन करून अशा त्या ठिकाणी यंत्रणावर दबाव तयार करणे हे काही योग्य नाही आहे। जर तुमच्याविरुद्ध काही तक्रार असेल, माझ्याविरुद्ध जर काही तक्रार असेल तर मी फेस केलं पाहिजे। जर मी काही केलं नाही तर मला करण्यात डर कशाला पाहिजे? आंदोलन करून ईडीसारख्या यंत्रणेवर दबाव तयार करण्याचं काम काँग्रेस पार्टी करत आहे।